हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एंड बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है तो गाइस आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं एक और वैगा का डब्बा है और आप लोगों को पता ही होगा मैं आई बटन में डाल दूंगा कि मैंने वैगा का बोल्ट माचो मंगाया था तो बोल्ट माचो की अपार सफलता के बाद मैंने एक और वेगा का प्रोडक्ट मंगाया है ये भी वेगा बोल्ट ही है एंड आज की वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ मैंने इसका एक एडिशनल वाइज़र मंगाया है जो कि मैं इस पर आज लगा के दिखाऊंगा सो बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो so आप देख सकते हैं ये रहा है हेलमेट एंड ये अभी बिना स्पॉयलर के साथ है तो स्पॉयलर इसमें अभी लगाना है सब कुछ अलग से ही आता है तो स्पॉयलर ये रहा इसका देख सकते हैं ये स्पॉइलर है तो मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ सिंपली कुछ नहीं करना होता है इसमें ऐसे इसको फिट कर देना होता है इसको मैं लगा के दिखा देता हूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसका स्पॉयलर मैंने लगा दिया है एंड मैंने इस बार वेगा का बोल्ट ऑर्डर किया है ये सिर्फ नॉर्मल बोल्ट है एंड ये ग्लॉस ब्लैक में है तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये ग्लॉस फिनिश में आता है एंड इसके यहाँ पे आईएसआई आई का लोगो है एंड यहाँ पे डॉट अप्रूव्ड का स्टिकर है प्लस वेगा की ब्रांडिंग है इधर और इधर एंड ये वाइज़र इसका प्लेन आता है तो प्लेन वाइज़र आता है इस वजह से मैंने मर्क्यूरी वाइज़र एक्स्ट्रा ऑर्डर किया है इसके लिए तो ये हेलमेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि मैं इस हेलमेट को मंगाऊँ बिकॉज मेरा जो प्रीवियस वाला वेगा बोल्ट का हेलमेट है तो उस हेलमेट के साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई है एंड वो हेलमेट थोड़ा सा क्रैश हो गया है और वो हमारे बीच में नहीं है ये वाला हेलमेट मैंने मंगाया है एंड वो वाला हेलमेट बहुत ही ट्रस्टेड हेलमेट था इसलिए मैंने इस हेलमेट को मंगाया कह सकते हैं कि दोबारा भी मेरा यही चॉइस रहा कि मैं इसी हेलमेट को मंगाऊं तो आप इसको देख सकते हैं इसमें कर्विंग बिल्कुल सेम ही है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिल्कुल सेम टाइप की कर्विंग है एंड जस्ट बिकॉज कि ये ब्लैक है तो इसमें सब कुछ बहुत प्यार से दिखता है एंड थोड़ा सा ये ए जी वी के वन जैसा लगता है तो थोड़े से आइडियाज़ आ रहे हैं मेरे दिमाग में कि मैं इसको थोड़ा सा ए जी वी लाइक लुक दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा कुछ वक्त के बाद दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं एंड इसका ये वाइज़र का मैकेनिज़म आप देख सकते हैं ये प्लेन वाइज़र के साथ आता है तो गाइज़ इसमें मैं मर्क्यूरी वाइज़र लगाने वाला हूँ तो ये रहा मर्क्यूरी वाइज़र मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने एडिशनल में वाइज़र इसका ऑर्डर किया था तो ये मुझे पड़ा था टू सिक्सटी रुपीज़ का एंड ये एडिशनल मैंने लिया है तो ये सिंपली आप जब वेगा की वेबसाइट पे जाएंगे तो वेगा की वेबसाइट में एसेसरीज़ वाले सेक्शन में जाके आपको ये वाला वाइज़र मिल जाएगा एंड आप वहाँ से इसको बहुत ही प्यार से ऑर्डर कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत है कि इसको कैसे ऑर्डर करना है सिंपली आपको वेगा की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है एंड इसको ऑर्डर कर देना है सो so गाइज इसका जैसा कि आप देख सकते हैं वाइज़र तो सब कुछ सेम है एक एक चीज़ सेम है मैं आपको पैडिंग भी दिखा देता हूँ इसकी पैडिंग भी आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराने वाले बोल्ट के जैसी है जो मेरा पुराना वाला बोल्ट था तो वो तो अब हमारे बीच में नहीं रहा सो so, इसी वजह से मैंने इसको मंगाया है एंड आप देख सकते हैं वाइज़र हटाने के बाद साइड से मतलब तो बिल्कुल कहते हैं ना ए जी वी के वन लाइट बिल्कुल ए जी वी के वन लाइट ही लग रहा ही है मेरे को और मेरी इन फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं थोड़ा सा इसको ए जी वी बनाऊँगा तो इसके वाइज़र को निकालने की बारी आती तो गाइज़ वाइज़र से लेके मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है वाइज़र को लेके जो मेरा पहले जो बोल्ट माचो था जिसका मैंने वीडियो बनाया था तो उसका जब मैं वाइज़र हटा रहा था तो वाइज़र हटा तो मैंने दिया लेकिन जब उसको मैंने दोबारा लगाया तो वो मेरे से लगा नहीं एंड बहुत ज़्यादा उसको दबा के लगाने की वजह से उसका एक नक्का टूट गया यहाँ पे एक वाइज़र में नक्का होता है तो वो टूट गया था लेकिन वही है कि मैं नहीं चाहता कि जो गलती मेरे से हुई है वो गलती आप लोगों से भी हो जस्ट इन केस अगर आपके पास बैग का हेलमेट है आई मीन यही बोल्ट की ही सीरीज़ का कोई हेलमेट है बोल्ट बनी है माचो है रैपिड है या फिर सिंपल बोल्ट है जैसे कि ये है तो अगर जस्ट इन अ केस अगर आप लोगों से कोई गलती हो जाती है तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो तो सिंपली मैंने कुछ नहीं किया है मैं आपको बता देता हूँ मैंने यहाँ पर डब्ल्यू स्प्रे कर दिया है इधर और एक इधर सो डब्ल्यू स्प्रे करने की वजह से इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ा सा स्मूद हो गया है वरना इतना स्मूद मैकेनिज्म आता नहीं है तो आप देख सकते हैं स्मूद हो गया है तो अब इसका वाइजर हम चेंज कर सकते हैं एंड मैं आपको वाइजर चेंज करके दिखाता हूं तो भाई देख सकते हैं इसका ये वाइजर है तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है ये क्लिप्स आप देख सकते हैं एक इधर है क्लिप एंड एक क्लिप इधर है तो मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें थोड़ा सा डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे कर दीजिए क्योंकि डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म स्मूद हो जाता है देखिए कितना स्मूद हो गया डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे करने के बाद तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसको ऊपर ऊपर को ही रहने देना है यहां से प्रेस करना है इसको एंड यहां से इस क्लिप को प्रेस करना है एंड सिंपली ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा ज्यादा जोर नहीं लगाना है जोर लगाएंगे तो टूट भी सकता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है नाउ ये है नया वाइजर तो आप देख सकते हैं ये है इसका नया वाइजर जो मैंने मंगाया इसके साथ ही तो इसको भी लगाने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है जैसे हमने ऊपर को निकाला था वैसे ही हमें ऊपर को ही इसको लगाना है अब सिंपली कुछ नहीं करना है इसके जो ये नक्के हैं जो ये आप देख सकते हैं ये नक्के हैं इनको इसमें लगा देना है सिंपली तो एक, -एक साइड का एक एक बार में एक एक साइड का करना है फिर तो आप ये देख सकते हैं ये जो है ऐसे इसको इसमें लगाना है सॉरी एक साइड से इसको दबाया इसको अंदर बिठाया थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मैं तो कहता हूं थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इरिटेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इरिटेट जहां पे हो गए वहां पे ये चीज आपका काम खराब कर देगी तो इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाना है जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही इसमें लग गया है इसको जब ये लग गया अब दूसरे की बारी है जैसे इसको लगाया वैसे इसको लगा देना है सिंपल इसको ऐसे फिट किया एंड इसको नक्के को अंदर घुस तो आप देख सकते हैं इसको भी लगा दिया अब सिंपली कुछ नहीं करना है ये हमारा वाइज़र लग चुका है और क्योंकि मैंने इसमें डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे कर दिया था तो अब ये अपनी जगह से भागेगा नहीं वरना पहले जब हम लगाते थे तो ये अपनी 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 जगह से भाग जाता था तो ये अब अपनी जगह से भागेगा नहीं और देखिए कितना स्मूथ फ्लो है अब इसको लगा दिया है तो सिंपली इसका ये हम वार्निंग साइन हटा देते हैं सो देख सकते हैं उसका वार्निंग साइन हटा दिया है एंड uh, कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आ रही है एक चीज़ मैंने इसमें स्टिकर मेरे पास है वो मैं लगा देता हूँ तो ये मेरे पास गोप्रो का स्टिकर है तो वो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये छुपाना है इसका मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा साइड से आई एस लिखा हुआ है तो ये मैंने इस पर गोप्रो का स्टिकर लगा दिया तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि इसका वाइजर लग चुका है एंड मैं जानता हूँ थोड़ा सा इरिटेशन होता है लगाते समय लेकिन ज़्यादा हमें इरिटेट नहीं होना इरिटेट होंगे तो फिर वही है टाइम भी लगेगा और चीज़ टूट भी जाएगी तो जैसा कि मैंने एक आपको टिप बता दी है कि आपको थोड़ा सा डब्ल्यू डी फोर्टी यहाँ स्प्रे करना है और यहाँ पे स्प्रे करना है इसके मकैनिज़म पे क्योंकि जब ये नया नया आता है तो ये बहुत ही टाइट होता है बहुत ही ज़्यादा टाइट तो जब डब्ल्यू डी फोर्टी स्प्रे कर देंगे तो इसका मैकेनिज़म बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा तो देख सकते हैं ये मैंने वाइज़र इसमें लगा दिया है एंड मुझे ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आई कुछ भी नहीं टूटा एंड ये रहा इसका प्लेन वाइज़र तो ऐसे वाइज़र लग सकता है बाकी का बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब बहुत से लोगों के तो नहीं लेकिन जो मेरे अपने हैं उन लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ तो सिंपली मैं बस यही बताना चाहूंगा कि आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम राइट नाउ एंड ना चाहते हुए भी दिखाना पड़ रहा है सो so, देख सकते हैं मेरे पैर में फ्रैक्चर है लेकिन इट्स ओके टफ टाइम आता है हर किसी की लाइफ में आता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों को दिखाने की क्योंकि वही है ना मेरे से खाली बैठा नहीं जाता बाकी आई नीड प्रेयर्स एंड ऑल क्योंकि मैं इस इस सिचुएशन से भी बहुत जल्दी निकल के आ जाऊंगा एंड बहुत जल्दी आई विल बी बैक ऑन ट्रैक रियल सून एंड बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं बहुत कुछ आने वाला है गाइज सो so, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट बाकी अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही है बाकी मैं इन फ्यूचर और भी वीडियोस पे काम करता रहूँगा एंड जितना मेरे पास से हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा बाकी तो यही वीडियो था गाइज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिस वीडियो थम्सअप एंड गाइज अगर आपको वाइजर के मकैनिज़म से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो ऑर्डर कैसे करना है या फिर आपको इसको लगाना कैसे है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं टिल देन डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब द चैनल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गाइज अपना ख्याल रखें थैंक्स फॉर वो वॉचिंग